हेलो एवरीवन, पूरम सुकरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आलू सैंडविच की रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही ईजी और फटाफट बन जाती है और ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे 3 से 4 उबले हुए आलू जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो आप इसे मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से इनमें बड़े बड़े दाने नहीं रहते हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर हमने प्याज को डाल दिया है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। आप यहाँ पर अपने मनपसंद अनुसार किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ इसलिए यहाँ पर सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पर देखिए टमाटर है और ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसे भी। आप चाहे तो आप यहाँ पर गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो भी सब्जी घर पर अवेलेबल है आप उन सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। मसालों की क्वान्टिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच चाट मसाला और हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी देखकर डालिएगा क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। हमने सभी चीज़ों को डाल लिया है, अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग को अच्छे से मिला लिया है, हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। तो अब हम सैंडविच बनाने के प्रोसेस में चलेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ले लिया है और पहले वाले ब्रेड पर हम लगाएंगे यहाँ पर हरी धनिया की चटनी। आप यहाँ पर मेयोनीज या केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ब्रेड के स्लाइस पे मैं यहाँ पर हरी धनिया की चटनी लगा रही हूँ और दूसरे वाले पे मैं यहाँ पर टोमेटो केचप लगा रही हूँ। आप चाहे तो आप यहाँ पर किसी एक पे मेयोनीज भी लगा सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, हमने जो स्टफिंग बनाया है इसे हम अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर 2 चम्मच भर के स्टफिंग को अच्छे से फैला दिया है ब्रेड पर। और ये जो हमने हरी धनिया की चटनी वाले ब्रेड में लगाया था उससे हम कवर कर देंगे। सेम प्रोसेस मैं आपको और एक बनाकर दिखा देती हूँ। तो एक ब्रेड की स्लाइस पर हरी धनिया की चटनी, एक ब्रेड की स्लाइस पर टोमेटो सॉस और हम यहाँ पर स्टफिंग को रख देंगे और फिर से हम अच्छे से इसे फैला लेते हैं स्टफिंग को अपने ब्रेड पे। और जो हरी धनिया चटनी वाली जो हमने ब्रेड है स्लाइस उससे हम इसको कवर कर देते हैं बिल्कुल इस तरह से। और हमारे यहाँ पर स्टफ हमने कर लिया है। एक पैन में हम डालेंगे यहाँ पर बटर और बटर मेल्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर अपने दोनों ब्रेड को जो हमने तैयार किया हुआ है स्टफ़ करके इसे हम रख देते हैं और मीडियम फ्लेम पर हम इस तरह से इसे पकने देंगे जब तक कि नीचे से क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाए। तो आपको इसे 1 से 2 मिनट लगेगा और ऊपर से भी हम थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बटर लगा लिया है ऊपर से भी और दोनों ब्रेड्स में मैंने लगा लिया अच्छे से। अब हम इसे 1 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। और 1 मिनट के बाद ये देखिए हमारा ब्रेड काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो मैंने इसे टर्न कर दिया है अब और दूसरे साइड से भी हम सेम प्रोसेस से इसे क्रिस्पी कर लेंगे। तो 1 मिनट के बाद हमारा दूसरा साइड भी हो गया है बिल्कुल और ये हमारा ब्रेड बिल्कुल तैयार हो गया और ये हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस सैंडविच को चीज़ के साथ भी बिल्कुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर रेसिपी ना पसंद है तो आप इसे अनलाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं अपने वीडियोज़ में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।